जनपद महोबा में यातायात माह नवंबर के तहत लोगों को यातायात नियमों के प्रति जन जागरूकता लाए जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपदीय पुलिस और यातायात पुलिस टीम द्वारा जनपद के विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों, शिक्षण संस्थानों व विभिन्न सार्वजनिक स्थलों में लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए और हेलमेट पहनने की आदत डालने के लिए अनूठे प्रयास के तहत आज पुलिस अधीक्षक महोबा पलाश बंसल के द्वारा मुख्यालय महोबा की झलकारी बाई के पास बिना हेलमेट टू व्हीलर वाहन चला रहे 100 ज़रूरतमंद लोगों को निःशुल्क हेलमेट का वितरण किए गए हैं और यातायात नियमों का पालन किए जाने की अपील की गई है। साथ ही लोगों को उनके जीवन मूल्यों के प्रति जागरूक करते हुए अपील करते हुए कहा कि हेलमेट लगाना एक सिंपल प्रक्रिया है, लेकिन इसके प्रयोग से व्यक्ति की जान भी बच सकती है। इसलिए जब भी अपने घर से बाइक या स्कूटी लेकर निकलें तो हेलमेट ज़रूर लगाएं और अपने परिवार और मित्रगण को हेलमेट लगाए जाने के प्रति जागरूक किए जाने का अनुरोध भी किया गया। यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यातायात माह चलाया जा रहा है। हेलमेट देने के साथ ही लोगों को सही नंबर प्लेट लगाने, फोर व्हीलर वाहन चालकों को गाड़ी से काली फिल्म हटाने, हूटर हटाने के लिए समझाया गया। इसके साथ ही सीट बेल्ट लगाने के लिए भी जागरूक कर सभी टू व्हीलर वाहन चालकों को हरी झंडी दिखा रवाना किया गया। सभी वाहन चालकों ने महोबा पुलिस के इस अनूठे प्रयास की प्रशंसा कर वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन किए व कराए जाने की बात कही है। नवंबर माह ट्रैफिक मंथ के रूप में मनाया जा रहा है शासन के आदेश के क्रम में, और ये बहुत ही अच्छी पहल है। इसमें जो ट्रैफिक पुलिस द्वारा, जिले पुलिस द्वारा स्कूल में जाकर के, कॉलेजेस में जाकर के मुख्य जो चौराहे हैं वहाँ पे आम जनता को और स्कूली बच्चों को जागरूक किया जा रहा है और ट्रैफिक नियमों के बारे में, उनकी महत्वता के बारे में उनको जागरूक किया जा रहा है। उसी क्रम में आज के दिन यहाँ पे 100 हेलमेट एकत्रित किए गए थे और आम जनता जो जा रही थी बिना हेलमेट लगाए उनको वितरित किया गया था। उनको अवेयरनेस कैंपेन एक तरह से चलाई गई थी कि एक हेलमेट लगाना एक बहुत ही सिंपल प्रक्रिया है, लेकिन उससे एक व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। उसी क्रम में कार्यक्रम आयोजित किया गया था।